आज हम बना रहे हैं लंगर वाली दाल। मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से और बिल्कुल लंगर की तरह जैसे बनती है मां छोले की दाल, वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और बिल्कुल वही घर में आप बनाने से आपको वही टेस्ट मिलेगा। ये एक बाउल मैंने एक वो मेजर से चने की दाल ले ली है और इसमें 1/4 कप ये मैं काली वाली दाल उड़द छिलका जिसको बोलते हैं वो डाल लेंगे। अब दोनों को मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लेते हैं हम। ये दाल को धो लिया है मैंने, धो के इसमें ये 1/4 बाउल मेरा वो है, मैंने 4 कटोरी इसके अंदर पानी डाल दिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं, जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ और आपकी दाल बिल्कुल लंगर वाले टेस्ट में बन के रेडी होगी, जो गुरुद्वारों में खाने के लिए बहुत टेस्टी होती है, जिसको हम बहुत टेस्ट से खाते हैं वो सेम टेस्ट आएगा। देखिए, एक चम्मच इसमें जीरा डाल दूंगी, स्वादानुसार नमक या 1 टेबल स्पून डाला मैंने, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हींग, कटी हुई चॉप्ड ग्रीन चिल्ली है इसको भी मैं डाल दूंगी। ये देखिए 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी डाली है मैंने, ये थोड़ा सा अदरक का वो है जो मैंने रफली ये क्रश कर लिया था वो हो गया। और इसमें 2 टमाटर इस तरह से फाइनली चॉप करके वो डाल दूंगी। कुकर को बंद करके आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे मैं 3 सीटी फुल पे लगवाऊंगी और उसके बाद 10 मिनट के लिए सिम गैस के ऊपर इसको करने के लिए रख दूंगी। कई जगह होता है पानी का टेस्ट अलग अलग होता है तो दाल जल्दी बिगड़ जाती है, तो आप 2 सीटी भी उसको लगवा सकते हैं। मैं 3 सीटी लगवाने के लिए और सिम गैस पे 10 मिनट रखने के लिए मैं इसको मैं रख दूंगी, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे सीटी आने दें। ये देखिए हो गया कुकर ठंडा, गैस चेक कर लिया, इसको हम खोल देते हैं, चेक करते हैं दाल हमारी गल गई है। बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको एक छोटा सा तड़का लगा लेंगे, इसको साइड पे उठा के रख देते हैं बंद करके, इसको छोटा सा तड़का लगा लेंगे। दाल के तड़के के लिए हमने पैन रख लिया, इसमें अब हम देसी घी डाल लेंगे। देसी घी बटर आप जिसमें चाहे लगा सकते हैं, देसी घी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनती है, आप चाहे तो रिफाइंड में भी लगा सकते हैं, मैं देसी घी में आपको लगा के दिखा रही हूँ। गरम कर लेते हैं, देखिए घी गरम हो गया, चेक कर लेते हैं। जीरा डाला मैंने 1/2 टेबल स्पून, जीरा हमने बॉईल में भी डाला हुआ था, थोड़ा कम डाला मैंने। तो साबुत लाल मिर्च डाल दी है मैंने, अच्छे से बनाते हुए भून लेंगे। हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने गार्लिक और लहसुन डाला है, आप डालना चाहते हैं डालिए, आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर लीजिए। थोड़ा सा छोटा सा तड़का लगा रहे हैं ऊपर से, इसको भी डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हमने उसमें भी डाला हुआ है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, इसको भी मैं चलाते हुए भून लेती हूँ। मिनट लगेगा करीब, ज़्यादा नहीं करना, जलना नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छे से ब्राउन हो जाए बस भूनना है इसको। हो चुका है, अब इसमें हम एक फाइनली चॉप वो ले डाल देंगे, इसको भी चलाते हुए ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसके अंदर मसाला डाल लेते हैं हम। गैस को बिल्कुल धीरे रखेंगे,
सूखा धनिया, कसूरी मेथी क्रश करते हुए थोड़ी सी डाल दी मैंने। अब इसको पहले अच्छे से हिला लेते हैं, इसको 22-30 सेकंड इसको पहले अलग से भून लेंगे। इसको प्याज के साथ ही इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस टाइम पे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, ये देखिए। इसके बाद हाफ टेबल स्पून जितना रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, गरम मसाला बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं तो बनाना हमने सब्जी को। 1/4 टेबल स्पून जितना ही डाला मैंने, इसको भी अच्छे से हिला चलाते हुए हिला लेंगे। ये देखिए, आपको लग रहा है मसाला जल रहा है तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मिनट मसाले को भून लेते हैं। मसाला भून गया होगा हमारा। इस स्टेज पे मैंने सिर्फ एक टमाटर फाइनली चॉप, एक टमाटर फाइनली चॉप करके डाल दिया। अब मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। नमक हमने बॉईल करते टाइम भी डाला था इसलिए ध्यान से डालना है। मैंने एक टेबल स्पून से थोड़ा कम डाला है। अब इसको हम ढक देते हैं, 2-3 मिनट बाद हम चेक करेंगे। 3 मिनट करीब हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। 5 टमाटर गल गए, टमाटर को मैंने इसे दबा के देखा, टमाटर गल गए। टमाटर हमने उसमें भी डाले हुए थे तो इसलिए मैंने थोड़ा कम डाले हैं। मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से। गैस को थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं, उसका घी अलग होने तक भूनते हैं इस मसाले को। चलाते हुए भूनेंगे, देखिए घी छोड़ने लग गया मसाला, देख रहे हैं आप साइड से। कुकर को खोल लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी कम है, थोड़ी गहरी है। इसके अंदर अब हम मिक्स हो गई है अच्छे से, बिल्कुल गली हुई दाल है, छोड़ दिया है। इस मसाले को हम इसके अंदर डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी में बॉइल्ड वाटर भी इसके अंदर डालूंगी, मुझे थोड़ी गहरी लग रही है दाल। इसी पैन के अंदर हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। मैंने पानी को गर्म करके डाला, थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आ जाता है और जल्दी भी बन जाती है। ये देखिए, इसमें मसाला जितना लगा हुआ है वो भी हट जाएगा। चलते ही पानी बॉइल होने लग गया, देख रहे हैं। पका हुआ पानी डालते हैं तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है दाल का। देखकर गैस को धीरे करके कुकर को ऊपर रख देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा पानी इसके अंदर मिक्स करते हैं, जितना हमें रिक्वायर्ड है मैंने उतना ही डाला है। कम जितनी आपको पतली रखनी है। गैस को फिर से तेज कर देंगे और एक बॉयल दिला लेंगे इसको। बहुत जल्दी बॉयल ही डाला हमने पानी, तो बहुत जल्दी बॉयल आ जाएगा इसके अंदर। अभी ये देखिए अच्छे से बॉयल आ गया, दाल बहुत अच्छे से घुट भी गई है, आप देख रहे होंगे। को तंदूरी रोटी के साथ, सिंपल रोटी के साथ, परांठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तंदूरी रोटी के साथ बिल्कुल लंगर वाला टेस्ट देगी। ये देखिए गैस बंद कर लेते हैं, थोड़ा धनिया डाल देते हैं और फिर हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए धनिया मिक्स कर लिया मैंने फाइनली चॉप करके, अब मैं आपको इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ और सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको लगेगी तंदूरी रोटी के साथ। गार्निश कर लेते हैं इसको इस तरीके से, ये
देखिए लंगर वाली दाल गुरुद्वारों में जो बनती है रेडी है। प्लीज़ इस रेसिपी से एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी बनी। कोई करेक्शन करनी हो तो वो भी मुझे ज़रूर एडवाइस करिएगा और बताइएगा ट्राई करके कैसी बनी है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।